लोकसभा से दो कृषि विधेयक पास हो गए, लेकिन इस बिल को लेकर सरकार को अपने ही पुराने सहयोगी अकाली दल का विरोध झेलना पड़ा। बिल के विरोध में अकाली दल के नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। पंजाब में पिछले तीन दिनों से आंदोलन जारी है। सूबे की कांग्रेस सरकार और सत्ता पर काबिज होने के कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने कृषि विधेयकों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दे रही है। ऐसे में एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल अगर कृषि विधेयकों का समर्थन करती तो दांव उल्टा पड़ जाता, लिहाजा पार्टी ने संसद में विधेयक का विरोध किया। लोकसभा में सुखबीर बादल ने बिल के विरोध का ऐलान भी किया और ये भी साफ किया कि उनकी पत्नी और पार्टी के नेता हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। पिछले दो महीने से हम इनके पास लेके जा रहे हैं, जो उनका रिप्लाई था हम उनको वापस देते थे, पर इन्होंने एक भी चेंज नहीं की, वैसे ही बिल लेके आए। सो हमने कहा था सरकार को अगर ये ऐसे ही बिल लेके आओगे हम अपोज करेंगे और हम उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते, सरकार से समर्थन भी वापस लेंगे। हम ये फैसला तो हम पार्टी लेगी, पार्टी हमारा नेक्स्ट। सुखबीर बादल के ऐलान के फौरन बाद हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया और ट्वीट किया। मैंने किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे गर्व है कि मैं किसानों के साथ उनकी बहन और बेटी की तरह खड़ी हूँ। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री परिषद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन दिलचस्प ये कि बीजेपी को अकाली दल का समर्थन जारी रहेगा। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर पड़े, जिससे पंजाब का नुकसान हो। अब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और आपस में फैसला करेंगे कि हमें अगला क्या कदम आगे लेना है। शायद यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इसे अकाली दल का ड्रामा बता रहे हैं। कैप्टन ने ट्वीट किया, हरसिमरत कौर का इस्तीफा अकाली दल के ड्रामे की नई कड़ी है। अकाली दल ने सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा है। इस फैसले का किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि खत्म होती सियासी विरासत को बचाने की कवायद है। देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। सबसे पहले तो आप कैबिनेट में थे, आपने कहा मैंने इतराज किया, आपका इतराज उन्होंने पता नहीं आपने किया कि नहीं, मगर किसी ने माना नहीं। अगर नहीं किसी ने माना तो फिर एनडीए से आप रिश्ता तोड़ो। अगर पंजाब के किसान को आपने उनका मन जीतना है, उनका विश्वास जीतना है, तो हरसिमरत कौर जी को पहले एनडीए से इस्तीफा देना होगा। कैबिनेट से इस्तीफा तो दे दिया, उसका मतलब है कि ये टेम्पररी है। केंद्र सरकार की तीन कृषि विधेयकों का कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अकाली दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होकर भी बिल का विरोध किया। जी हाँ, बिल का विरोध किया, न सरकार का और ना ही गठबंधन का। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। किसानों के विरोध प्रदर्शन और केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार कह रही है कि विधेयक पास होना बड़ी कामयाबी है। सरकार इन दोनों विधेयकों को किसानों के हित में बता रही है, जबकि कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। किसानों का गुस्सा प्रदर्शन जारी है। मंत्रिमंडल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा भी दे चुकी हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों से जुड़े दो बिल लोकसभा में पास होना बेहद खास मौका है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार दोनों बिल के पास होने के फायदे गिना रही है। इससे प्राथमिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। कल लोकसभा में दोनों बिल पास हुए। इनमें पहला विधेयक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है और दूसरा है किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020।
इन दोनों विधेयक के लोकसभा से पास होने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर तीन बड़ी बातें कही। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि विधेयक उनके हक में है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर फायदे गिनाए। उनके मुताबिक ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे जिनसे उनका मुनाफा बढ़ेगा। हमारे कृषि क्षेत्र को जहां अत्याधुनिक तकनीकी का लाभ मिलेगा वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। विधेयक पर सियासी संग्राम को लेकर पीएम ने ये बातें रखी। लगे हाथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि दोनों विधेयक से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। उन्होंने विरोधियों को भी जवाब दिया। लोकसभा में कृषि से संबंधित दो बिल चर्चा में थे, एक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन विधेयक और दूसरा मूल्य आश्वासन और किसानों के करार से संबंधित विधेयक। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और नौजवान इनकी बेहतरी के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस ने पहले से ही किसानों से जुड़े बिल को लेकर मोर्चा खोल रखा है। पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी ने बिल को लेकर ट्वीट करते हुए हमला बोला कि मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के काले कानून किसान खेतीहर मजदूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जमींदारी का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा मिटी। अभी किसानों से जुड़े दोनों बिल लोकसभा से पास हुए हैं। अब अगली बारी है राज्यसभा की, जहां इन्हें पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।